हाय गाइस, वेलकम टू कनेक्शन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और गाइस, जैसे कि आप जानते हो, अब हमारा चैनल अनअकैडमी से भी जुड़ चुका है। अब आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मिलेंगे, लेकिन अनअकैडमी पर लेक्चर्स पहले अपलोड होंगे और यूट्यूब में बाद में अपलोड होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, उसे इंस्टॉल करिए। वहाँ आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा और एक्सप्लोर के ऑप्शन में जाकर आप पवन जानी टाइप करिए और वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो या आप इस लिंक पर भी क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लेक्चर्स देखने के आपको दो बेनिफिट होती हैं। एक तो वहाँ किसी भी तरह की कोई ऐड नहीं रहती है, दूसरा वहाँ आप किसी भी लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस लेक्चर को वॉच करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और डेली 10 मिनट्स का जो गोल है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इससे क्या होगा कि 10 कॉइंस आपकी जो प्रोफाइल में आ जाएंगे और आप उन कॉइंस को यूज़ करके किसी भी लेक्चर्स के नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो गाइज, आज इस लेसन में हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की कुछ एरर्स की बात करेंगे, जो कि मेनली 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल एरर, सेकंड इज टेम्परेचर एरर एंड थर्ड इज फ्रिक्वेंसी एरर। और गाइज, इन तीनों ही एरर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड दैट विल टेक 2 लेसन टू कम्प्लीट इट। एंड इन दिस लेसन वी विल कम्प्लीट फ्रिक्शनल एरर इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद फ्रिक्शनल एरर। तो जैसे कि इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो ये पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर बना हुआ है, ये इस स्पिंडल टाइप की जो ये शेप बनी हुई है, इसके बीच में यहाँ पे रहेगा और इसके बीच में क्या रहेंगी, बीयरिंग्स रहेंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये पॉइंटर है वो स्पिंडल टाइप की शेप में रहेगा और ये बीच में क्या रहेंगी, बीयरिंग्स रहेंगी। ओके, तो जब हम इंस्ट्रूमेंट को इनपुट देते हैं या उसे सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तब इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉक प्रोड्यूस होती है और वो डिफ्लेक्टिंग टॉक क्या करती है, वो पॉइंटर को उसकी जो पोजीशन है उसके मूव करती है, उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे वो उसको मूव करती है। तो जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो वो इन बीयरिंग्स को क्या करेगा, रब करेगा, और ये बीयरिंग्स क्या करेंगे, ये बीयरिंग्स उस पॉइंटर पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 3 टॉक्स को डिस्कस किया है, जिसमें से जो पहली टॉक थी वो थी डिफ्लेक्टिंग टॉक, सेकंड वन इज डैम्पिंग टॉक एंड थर्ड वन इज कंट्रोलिंग टॉक। तो यहां इस फ्रिक्शन के कारण जो कि इन बीयरिंग्स ने एग्जर्ट किया इस पॉइंटर पर, एक एडिशनल टॉक इंट्रोड्यूस हो जाएगी विच इज फ्रिक्शनल टॉक। ओके, एंड दिस फ्रिक्शनल टॉक विल करप्ट अवर रीडिंग। तो ये फ्रिक्शनल टॉक क्या करेगी, ये हमारी रीडिंग्स को करप्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, दैट मीन्स उसमें वो एरर प्रोड्यूस करेगी। तो इसे एक बार हम फिर से समझते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को इनपुट देते हैं तब क्या होता है कि उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉक प्रोड्यूस होती है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉक पॉइंटर को मूव करती है, और जब ये पॉइंटर मूव करेगा तब वो इन बीयरिंग्स को रब करेगा और बीयरिंग्स क्या करेंगे, उस पॉइंटर पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ओके, और इस फ्रिक्शनल यानी कि फोर्स के कारण एक एडिशनल टॉर्क डेवलप हो जाएगी, जिसे हमने क्या कहा, फ्रिक्शनल टॉर्क कहा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये फ्रिक्शनल टॉर्क इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद होगा क्या, मतलब क्या इफेक्ट करेगा ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को। तो इस फ्रिक्शनल टॉर्क के कारण अब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी वो बराबर होगी कंट्रोलिंग टॉर्क प्लस दिस एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क। ओके, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन पर पॉइंटर रेस्ट कंडीशन पे आता है और वहां क्या होता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है वो बराबर होती है कंट्रोलिंग टॉर्क के, लेकिन फ्रिक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस हो जाने के कारण अब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी वो बराबर होगी कंट्रोलिंग टॉर्क प्लस दिस एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क। दैट मीन्स ये फ्रिक्शनल टॉर्क पॉइंटर की स्टेडी स्टेट कंडीशन को भी इफेक्ट करेगी। ओके, दैट मीन्स पॉइंटर जहां स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आएगा, जहां पे वो पॉइंटर रुकेगा जाके, जहां पे वो रेस्ट कंडीशन में जाएगा, वो उस पोजीशन को भी इफेक्ट करेगी ये फ्रिक्शनल टॉर्क। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो सपोज अगर इस पॉइंटर को 8 एम्पियर तक जाना था लेकिन वो केवल 7.5 एम्पियर तक ही जाएगा, तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, 8 एम्पियर। ओके, लेकिन इस एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क के कारण हमें रीडिंग कितनी मिली, 7.5 एम्पियर। तो इसे ही हम फ्रिक्शनल एरर कहते हैं।
तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क होती है वो पॉइंटर की स्टेडी स्टेट कंडीशन को इफेक्ट करती है, ओके, ड्यू टू एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क, ओके। तो यहाँ पे पॉइंटर की स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, 8 एम्पियर, मतलब पॉइंटर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन वो कहाँ पे रहना चाहिए था, 8 एम्पियर वाली रीडिंग पर। लेकिन इस एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क के कारण जो पॉइंटर की अब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है वो कितनी आई, 7.5 एम्पियर। तो ऐसा इस एडिशनल फ्रिक्शनल टॉर्क के कारण हुआ, तो इसे ही हम फ्रिक्शनल एरर कहते हैं। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, सो वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन, एंड वेयर म्यू इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, और वी कैन से दैट म्यू इनटू वेट, और वी कैन ऑल्सो से दैट म्यू इनटू वेट, बिकॉज इफ एनीबॉडी इज कैप्ट लाइक दिस then there will be two forces acting on this body, one is mg and second is normal reaction which is opposite to mg, so in such a case n is equal to mg, so the weight of the instrument is actually equal to the normal force, so here we can say that frictional force is equal to mu into weight also, okay, and we know that weight is equal to mg, so our frictional torque will be equal to म्यू एम जी, ओके, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू इंटू एन होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो एम जी के इक्वल होती है, ओके, तो इससे जो हमारी जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगी वो बराबर हो जाएगी म्यू एम जी के। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें फ्रिक्शनल एरर को कम करना है तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंट के वेट को कम करना पड़ेगा। तो इस फ्रिक्शन के इफेक्ट को डिक्रीज करने के दो तरीके हैं, ओके, एक तो है कि हम फ्रिक्शनल टॉर्क को कम कर दें, तो जो सबसे पहला तरीका है कि हम क्या करें कि हम फ्रिक्शनल टॉर्क को ही कम कर दें, जिसे हम वेट को कम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखा कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क होती है वो इक्वल होती है म्यू एम जी के, ओके, दैट मीन्स फ्रिक्शनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वेट, अगर हम वेट को कम कर देंगे तो फ्रिक्शनल टॉर्क भी कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इनक्रीज कर दें, so if the deflecting torque is much higher than the frictional torque then the effect of frictional torque would be negligible, okay, to agar hum deflecting torque ko bahut hi zyada high kar dein to jo frictional torque hogi uska jo effect hoga wo negligible hoga, okay, to hum ye keh sakte hain ki hame td by tf ka ratio increase karna padega frictional error ko kam karne ke liye, so frictional error can be reduced by either increasing td or decreasing TF, and we know that TF is proportional to the weight, so we can say that we have to increase the torque to weight ratio to decrease the frictional error, okay, to hame frictional error ko kam karne ke liye torque to weight ratio ko high karna padega, so to decrease the frictional error torque to weight ratio of the instrument should be high, aur PMC instrument mein जो टॉक टू वेट रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रिक्शनल एरर होती है वो नेग्लिजिबल होती है, सो द फ्रिक्शनल एरर विल बी लेस इन पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रिक्शनल एरर में आपको बस इतना ही याद रखना है कि फ्रिक्शनल एरर को कम करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट में टॉक टू वेट रेशियो को हाई करना पड़ता है, ओके। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टेम्परेचर एरर एंड फ्रिक्वेंसी एरर। So if you have any query regarding this lecture, you can ask me in the comment section. And please share this lecture to your friends. Your sharing will help them a lot. And subscribe my YouTube channel and click on bell icon button. And also click on send me all notification for this channel. And guys, don't forget to follow me on Unacademy. And the link of my profile and this lecture is given in the description. Where I upload video before YouTube, you can watch there also. Thank you for watching.